हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत चुनाव परिणाम पर बोली बीजेपी, किसानों का कांग्रेस से मोह भंग। राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मतदाताओं का प्रदेश की मौजूदा सरकार से मोह भंग हो चुका है। पंचायत चुनाव परिणाम राजस्थान सरकार के लिए एक तमाचा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के नाम पर कांग्रेस ने किसानों को वर्ग लाने का काम किया है। किसानों का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। बता दें कि राजस्थान में हुए पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की काउंटिंग मंगलवार से शुरू हो चुकी है। पहले दिन घोषित परिणाम में भाजपा का पलड़ा भारी रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी को अपने मंत्रियों के इलाके में भी हार का सामना करना पड़ा है। भंवर सिंह भाटी को छोड़ सब मंत्रियों के इलाके में कांग्रेस की हार हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र में भी कांग्रेस को झटका लगा है। सीकर जिला परिषद में भी भाजपा को जीत हासिल हुई है। यह लगातार दूसरी बार बीजेपी का बोर्ड बनेगा। गायत्री कंवर का जिला प्रमुख बनना तय माना जा रहा है। वो पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर की पुत्रवधू है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में बीजेपी को बहुमत मिला है, जबकि नेछवा में कांग्रेस बीजेपी को बराबर सीटों पर जीत मिली है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ने भी बाजी मारी है। साथ ही सचिन पायलट के क्षेत्र टोंक पंचायत समिति में भी कांग्रेस की हार हुई है। टोंक जिला परिषद में बीजेपी को बहुमत मिला है। मंत्री रघु शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र और जिले में भी कांग्रेस हार गई है। अजमेर जिले के 11 में से एक पंचायत समिति में भी कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना। यहां जिला परिषद में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के क्षेत्र निम्बा हेड़ा और जिले में भी कांग्रेस को पराजय मिला है। इसी तरह अधिकांश मंत्रियों के क्षेत्र में कांग्रेस को हार मिली है। बता दें कि राजस्थान में हुए पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में बीजेपी ने 1833 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस ने 1713 सीटों पर कब्जा जमाया। पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बीच सीकर में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फतेहपुर शिकावत के बलौत बड़ी गांव में विवाद के बाद एक शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद झगड़ा हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।